प्रोफेसर साहब, क्या यह सच है कि हिप्नोसिस के जरिए हम अपनी पास्ट लाइफ में जा सकते हैं? जी संदीप जी, ये बिल्कुल सच है। हम हिप्नोसिस के थ्रू अपनी पास्ट लाइफ में जा सकते हैं। देखिए, जब हम पैदा होते हैं ना, आपने देखा होगा कि एक बच्चा खुद ब खुद हंस रहा है या खुद ब खुद वो रोना शुरू कर देता है। हाँ जी, हमको लगता है कि ऐसा पता नहीं क्यों कर रहा है, आपने देखा होगा। हाँ, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अभी इसको अपना पास्ट लाइफ, पिछला जन्म देख रहा है अपना, या इसको पिछले जन्म की कुछ झांकियां दिख रही हैं या कुछ फ्लिकरिंग सा कुछ दिख रहा है, तो वो उसको देख के अपने पूर्व जन्म की अच्छी और बुरी यादों को देख के बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है जी। तो ये सच है, क्योंकि तब तक वो बच्चा इस दुनिया के बारे में कुछ जानता नहीं है एकदम, मतलब उसका रॉ ब्रेन है। धीरे धीरे फिर हमारे मन के ऊपर ये जो हमारी सोसाइटीज हैं, रिश्ते हैं, उनके प्रभाव पड़ना शुरू हो जाते हैं और हम अपना पास्ट लाइफ भूल जाते हैं। बट हिप्नोसिस एक ऐसा माध्यम है जिसकी हेल्प से हम पास्ट लाइफ देख सकते हैं। तो जो हमारी पास्ट लाइफ है उसका जो डेटा है, अगर हम समझने की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस की गहराइयों में फीड है। वो वही सेव रहता है। हाँ, जी जी जी, वो वहां पे सेव है। बट क्योंकि अब हम इस दुनिया में आ गए हैं और कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि हम अपनी पास्ट लाइफ को भूल जाते हैं ताकि हम इस दुनिया में अच्छे से रह सकें और हमारी पास्ट लाइफ की चीजों का हमारी इस दुनिया में कोई हमारे माइंड के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। अभी रिसेंटली मेरे क्लाइंट थे, उनके सर पे एक चोट का निशान था बाय बर्थ। तो जब मैंने उनकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करी, मैं उनको उनके पास्ट लाइफ में लेके गया, तो उन्होंने बताया कि उनकी जो डेथ हुई थी पिछले जन्म में जी, वो बिल्कुल उसी जगह पे एक चोट लगने की वजह से हुई थी, तो वो निशान इस जन्म में भी साथ आया। ओके, तो ये तो बिल्कुल सच है कि हम अपनी पास्ट लाइफ में जा सकते हैं और हिप्नोसिस एक ऐसा माध्यम है जिससे 100% पॉसिबल है हम अपनी पास्ट लाइफ देख सकते हैं। सर, मुझे ये बताइए कि जो ये हिप्नोसिस का एक प्रोसेस है, इसमें कितना समय लगता है? संदीप, ये डिपेंड करता है। कई बार कोई पर्सन एक सेशन में ही अपनी पास्ट लाइफ में जा सकता है और कई बार उसको 2-3-4-5 सेशन लग जाते हैं अपनी पास्ट लाइफ में जाने में। सर, इसका रीजन क्या है? जैसे एक पर्सन है वो आपके एक सेशन में ही अपनी पास्ट लाइफ को देख पाएगा और कोई दूसरा पर्सन है उसको 2 या 3 सेशन लेने पे वो सारा कुछ दिख रहा है। संदीप जी, इसका रीजन हमारे मन के ऊपर पड़े हुए प्रभाव है। जैसे देखिए आप, ये डिपेंड करता है कि कोई पर्सन अपनी प्रेजेंट लाइफ में कितना डीपली अटैच्ड है। ओके जी, ठीक है ना, तो उसको उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा अपनी पास्ट लाइफ से कनेक्ट होने में। और अगर इसको वैसे भी हम देखें तो पता नहीं हम कब से मर रहे हैं और पैदा हो रहे हैं जी। ये एंडलेस प्रोसेस है। हाँ जी। तो हर जन्म के जो हमारे प्रभाव हैं हमारे मन के ऊपर वो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो कई बार उन प्रभावों की डेप्थ को मतलब तोड़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इनफैक्ट मैं खुद अपनी पास्ट लाइफ में अपने 9th सेशन में जा पाया था। ओके, तो ये डिपेंड करता है। ज्यादातर जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, जो जितनी उम्र कम होगी उतनी जल्दी हम अपनी पास्ट लाइफ में जा पाएंगे। तो आपके कहने का मतलब है अगर जैसे जैसे उम्र ज्यादा हो रही है हम उतने अपने करंट लाइफ के एक्सपीरियंस अपने साथ लेके चल रहे हैं। संदीप जी, दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन। मैं अपनी प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। Okay. मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये थंब रूल है ऐसा ही होगा, बट जितने सेशंस मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ किए हैं उसमें मैंने एक्सपीरियंस करा है कि जितनी उम्र कम है ना, उनकी एज कम है जी, तो वो पहले दूसरे सेशन में अपनी पास्ट लाइफ में चले जाते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है उनको 3-4 सेशंस लेने पड़ रहे हैं। कई बार वो पहले सेशन में भी चले जाते हैं, बट एक एवरेज की बात करूं तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि थंब रूल है कि 60 साल वाला 8 बार में ही जाएगा। जी जी जी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अब सर हमें ये बताइए कि जैसे हम हिप्नोसिस का एक प्रोसेस के बारे में जान रहे हैं तो हमें इसके बेनिफिट्स क्या है, हमें क्यों इसके बारे में सोचना चाहिए या क्यों कोई पर्सन इस चीज में इंटरेस्टेड होगा? संदीप जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे क्लाइंट हैं,
उनके बेटे को ना मैथ से बड़ा डर लगता था जी। बड़े वरीड हुए, मैम कहते कि जी मेरे को बहुत डर है कि ट्वेल्थ बोर्ड की है और इसको मैथ से बहुत डर लगता है, टेंथ में भी मार्क्स मैथ्स ने डाउन करे थे, अभी ट्वेल्थ है और ट्वेल्थ में मैथ फिर डाउन करेगा मार्क्स जी। तो मैंने उनको सजेस्ट करा कि आप इसको एक हिप्नोथेरेपी दिलवाओ। तो मैंने उसको एक सेशन दिया जिसमें मैंने हिप्नोसिस के थ्रू उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो एक फोबिया फीड हो गया ना मैथ्स का जी, उसको काफी हद तक क्लियर कर लिया। तो उसको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले, उस बच्चे का मैथ्स में पहले से ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट हो गया, जो फॉर्मूलाज उसको याद ही नहीं हो रहे थे वो उनको इजीली याद करना, उसको इजीली याद होना शुरू हो गए। तो हिप्नोसिस के तो बहुत बेनिफिट्स हैं, किसी को ब्लड शुगर है, किसी को माइग्रेन है, डिप्रेशन है जी, है ना, एन नंबर ऑफ बीमारियां हैं, इन सब को काफी हद तक हिप्नोसिस से ठीक किया जा सकता है। कई बीमारियां तो मानसिक है, हमने मान लिया कि हमको बीमारी है, एक्चुअल में वो है ही नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो हिप्नोथेरेपी के थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो बेसिकली हम अपने माइंड को बताते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको कन्विंस कर देते हैं। आप इसको ऐसा समझो, आप पीसी यूज करते हो, उसमें वायरस आ गया, तो आप पीसी उठा के बाहर फेंक देते हो जी? नहीं, आप उसमें एंटीवायरस डालते हो जो उसको स्कैन करता है, जो वायरस होता है उसको निकाल देता है। हाँ जी, ऐसे ही हमारा दिमाग है, कितने वायरस हैं हमारे दिमाग में, कभी सोच के देखो आप, फियर का, फोबिया का, डिप्रेशन का, गुस्से का जी, एन नंबर ऑफ वायरसेस हैं जी, है ना। तो वो हम 24 घंटे हम लेके अपने साथ चल रहे हैं उनको, उन सबको। तो हिप्नोसिस क्या कर सकता है, एक एंटीवायरस की तरह एक्ट कर सकता है। हम हिप्नोसिस में उन वायरसेस को, यानी कि उन नेगेटिव थॉट्स को डिलीट कर सकते हैं। अब अगर नेगेटिव थॉट ही दिमाग में नहीं रहेगा जी, तो ऑब्वियसली ठीक रहेगा। इनफैक्ट हम नेगेटिव थॉट को डिलीट करके पॉजिटिव फीड कर सकते हैं। आपके कहने का मतलब है कि रीप्रोग्राम किया जा सकता है माइंड को। जी बिल्कुल, ये एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है, इसको आप जैसे मर्जी प्रोग्राम कर सकते हो। अब सर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमने ये भी जान लिया कि हिप्नोसिस से हम अपनी पास्ट लाइफ में जा सकते हैं, ये भी जान लिया कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कि डर को खत्म कर सकते हैं, फोबिया खत्म कर सकते हैं, कुछ डिजीज से भी हम छुटकारा ले सकते हैं। अब सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये सेफ है? संदीप जी, बिल्कुल सेफ है। इसका हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं है जी, ये बिल्कुल सेफ है। और इसको यूज करके हम अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकते हैं। इट इज प्योरली सेफ एंड ब्यूटीफुल थिंग।